नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने डॉग के लिए घर पर ही हेल्दी वेजिटेरियन फूड कैसे तैयार किया जाता है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बताते हैं कैसे फूड तैयार करना है। तो दोस्तों, वेजिटेरियन फूड बनाने के लिए हमने लिए हैं चावल, सब्जियों में ली है मटर, कुछ बीन्स, कुछ आलू और कुछ सोया बड़ी, साथ में मैंने ली है दाल और हल्दी। ये सब सब्जियां मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि मेरा डॉग ये सब खाना बहुत पसंद करता है, इसलिए मैंने इनको लिया है। आप चाहें, अगर आपको पता है कि आपका डॉग क्या खाना ज़्यादा पसंद करता है, तो आप उसके हिसाब से इनमें से कोई भी सब्जी स्किप कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो अगर आपका डॉग मटर या बीन्स खाना पसंद नहीं कर सकता है तो आप उनको हटा सकते हैं, आप गाजर भी मिला सकते हैं, या अगर आपका डॉग ये दाल खाना पसंद नहीं कर सकता है तो आप कोई दूसरी दाल भी ले सकते हैं। इनमें से आप कोई भी आइटम जो आपका डॉग पसंद नहीं करता है उसको आप हटा सकते हैं, या कोई और आइटम जो आपका डॉग पसंद करता है उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चावल मैं पहले धो चुका हूँ क्योंकि चावल को साफ करना भी जरूरी होता है, और इसको हम किसी पतीले में भी पका सकते हैं या किसी भी बर्तन में या कुकर में। मैं यहाँ पर पकाने वाला हूँ कुकर में, तो अभी इन सबको मैं कुकर में मिक्स करूँगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ चावल। चावल आप अपने डॉग के हिसाब से लीजिए, आपका डॉग कितना खाता है, आपके एक डॉग है या दो डॉग हैं। मेरे पास मेरे दो डॉग हैं तो मैं उसके हिसाब से मैंने ये चावल लिया है। चावल हो गया, ये बीन्स, मटर, आलू में मैंने दो छोटे आलू काट लिए हैं क्योंकि उबलेंगे, बाद में इनको मैश कर लिया जाएगा। ये सोया बड़ी, आप बड़ियों को चाहे तो कुछ देर पहले पानी में भिगो भी सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन कुकर में भी ये पक जाती हैं। अगर ज्यादा बड़े साइज की बड़ियां हैं तो उन्हें प्लीज भिगो लीजिए। दाल, और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि हल्दी एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है जिससे आपके डॉग्स को काफी फायदे होते हैं। दोस्तों, चावल, सब्जी, दाल, हल्दी सब मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें पानी भी डाल दिया है। अब मैं इसे बंद करके पकने के लिए रखने वाला हूं। बंद कर दिया, अभी मैं इसे गैस पे रखने जा रहा हूं। अभी मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है और मैं इसे पकाऊंगा दो सीटी आने तक, क्योंकि जौन सा चावल मैं यूज करता हूं वो लगभग दो सीटी में पक जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं, अपना खाना पक के तैयार हो चुका है। अभी कुकर खोल के देखते हैं कैसा बना है। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम इसको निकाल ले रहे हैं ताकि सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आए कि कैसे बना है। आई थिंक देखने में तो इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है हम ही खा लें खुद। हम खाना निकाल चुके हैं, अभी जैसे कि अगर हम आलू को देखें तो ये पूरी तरह से पक चुका है,
गल चुका है, इसको हम हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन अभी ये गर्म है तो हम इसी के साथ इसको थोड़ा मैश कर लेते हैं। और ये सोया बड़ी भी सही ढंग से पक गई है, गल गई है, ये देखिए ये सारा सब मिक्स हो गया है, अच्छे से पक गया है। अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देता हूँ, और फिर जब थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तो मैं फिर इसे अपने डॉग्स को खाने के लिए दे दूंगा। दोस्तों हमने इस खाने में कुछ दही मिलाया है, क्योंकि दही डॉग के लिए बहुत अच्छा रहता है। दही एक बहुत ही अच्छे लीवर टॉनिक के रूप में काम करता है, ये गर्मियों में स्पेशली बहुत ही फायदेमंद होता है, सर्दियों में भी आप दे सकते हैं लेकिन गर्मियों में और भी फायदेमंद होता है। ठंडा रहता है डॉग के अंदर, ठंडक रहती है और लीवर टॉनिक का बहुत अच्छा काम करता है। ये दही मिला के खाना तैयार हो गया है, ठंडा भी हो चुका है, और अभी मैं इसे देने जा रहा हूँ अपने डॉग्स को, वो भी अभी दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों हो गया खाना तैयार, ये लीजिए, चलो जाऊ खाओ आओ। ये देखिए दोनों कितने आराम से बड़े खुश होके खा रहे हैं, और बड़े आराम से खा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खाना है। और खाना खाते हुए मैं अपने डॉग को चैन जरूर लगाता हूँ, क्योंकि मेरे डॉग खाना खाते हुए अपना कम और दूसरे का ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो कई बार खाना खाते हुए गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं चैन लगाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड करते रहेंगे, इसलिए एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।